इवनिंग अड्डा लगातार आप सभी व्यूअर्स के लिए रहस्यमय वीडियोस बनाता आ रहा है और आज भी हम रहस्यमय चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे अघोर पंथ के बारे में। एक ऐसा संप्रदाय और एक ऐसा पंथ है अघोर पंथ, जो काफी रहस्यमय है। अघोरी क्या है? अघोरी कौन होते हैं? अघोरी अपना काम कैसे करते हैं? इंसान अघोरियों से इतना डरते क्यों? अघोर रूप क्या है? क्या भगवान शिव नहीं अघोर रूप को या अघोर पंथ को शुरू किया था? इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अघोरी सीरीज की यह पहली वीडियो है और लगातार 5 वीडियो हम अघोरी पर बनाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इवनिंग अड्डा। 12 साल बाद आने वाले कुंभ व अर्ध कुंभ पर्व पर बड़ी संख्या में साधु व महात्मा पहुंचते हैं। कुंभ के इस पावन पर्व पर नागा साधु मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस दौरान सबसे पहले शाही स्नान भी इन साधुओं द्वारा ही किया जाता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही बाकी श्रद्धालु पावन गंगा में स्नान करते हैं। नागा साधुओं के अलावा एक और साधु भी होते हैं जो इनसे काफी भिन्न होते हैं। इन साधुओं को अघोरी साधु कहते हैं, लेकिन लोग इन नागा साधुओं को ही अघोरी साधु समझ लेते हैं। लेकिन अघोरी साधुओं और नागा साधुओं में कई अंतर होते हैं। कहा जाता है कि अघोरी कभी भी कुंभ में नहीं जाते। संस्कृत भाषा में अघोर शब्द का अर्थ है उजाले की ओर। अघोर शब्द मुख्य रूप से 2 शब्दों के मेल से बना है, अ और घोर। इसका अर्थ हुआ जो घोर ना हो बल्कि सहज और सरल हो। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य अघोर होता है, मतलब सहज और सरल। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है और दुनियादारी के चक्कर में पड़ता है, उसमें असहजता यानी घोर शुरू हो जाती है। कहने का मतलब वह इंसान अघोर नहीं रहता। कहा जाता है कि अघोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की साधना करते हैं, शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। माना जाता है कि अघोर साधना के द्वारा ही मानव फिर से अपने सहज रूप में आ सकता है। अघोरी साधु अर्थात अघोर संप्रदाय के साधक मुख्य रूप से शमशान में ही साधना करते हैं। नरमुंडों अर्थात मानवों की खोपड़ियों की माला पहनते हैं और नरमुंडों से बने पात्र में ही भोजन करते हैं। इस साधना के दौरान अघोरी साधु मुर्दे की चिता की राख को अपने शरीर पर मलते हैं और चिता की आग में ही भोजन आदि पकाते हैं। अघोरियों की दृष्टि में महल या शमशान में कोई फर्क नहीं होता। वह इस साधना के दौरान खुद को सहज महसूस करते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव की उपासना करते हैं, क्योंकि अघोर रूप भगवान शिव का ही रूप है। अघोरी मानते हैं कि भगवान शिव संपूर्ण है और जड़ तथा चेतन दोनों स्वरूपों में विद्वान है। भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोरी साधु भगवान दत्तात्रेय को भगवान शिव का ही अवतार मानते हैं। अघोर पंथ में बाबा की नाराम की पूजा एक संत के रूप में की जाती है। मत है कि भगवान शिव ने खुद अघोर संप्रदाय या पंथ को प्रतिपादित किया था। अघोरी शव से शिव की प्राप्ति वाली धारणा को अपनाते हैं और मानव शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव साधना अघोर पंथ की मुख्य निशानी है। नागा साधु मुख्य रूप से किसी न किसी अखाड़े के साथ जुड़े होते हैं। नागा साधुओं की परीक्षा और अभ्यास अखाड़ों में होता है, जबकि अघोरी साधुओं को अघोरी बनने के लिए शमशान में कठोर तप करना पड़ता है। खास बात तो यह है कि अघोरी साधु व नागा साधु बनने के लिए 12 साल तप करना पड़ता है। काशी या वाराणसी को प्रमुख अघोर स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अघोर साधुओं के संत बाबा किनाराम से संबंधित तीर्थ स्थल भी मौजूद है। साथ ही गुजरात का जूनागढ़ भी अघोरियों का महत्वपूर्ण स्थान है। अघोरी साधु जूनागढ़ को भगवान दत्तात्रेय का तप स्थान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी साधु शमशान में ही साधना करते हैं और चिता से अधजले मानव का मांस खाते हैं। इस बात को अघोरी खुद भी स्वीकार करते हैं। यह क्रिया उनकी साधना का एक हिस्सा है।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि अघोरी ऐसा क्यों करते हैं। किसी भी इंसान के लिए एक इंसान का मांस खाना सहज नहीं है, इसलिए अघोरी ऐसे ऐसे कर्मकांड करते हैं जो सरल इंसान नहीं कर सकता। उनका मानना है कि इस क्रिया से तंत्र शक्ति प्रबल होती है। कहा जाता है कि अघोरी अन्य साधुओं की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते बल्कि शवों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अघोरी इस क्रिया को शिव और शक्ति की उपासना का एक ढंग कहते हैं। उनका मानना है कि अगर इस क्रिया के समय भी मन ईश्वर में ध्यान में लीन हो तो इससे ऊपर साधना या उपासना नहीं हो सकता। इसके अलावा अघोरी जीवित इंसानों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसका मानना है कि मानसिक धर्म के दौरान स्त्री से संबंध बनाने की शक्ति बढ़ती है। एक धारणा तो यह भी है कि अघोरी साधु दूसरे अन्य साधुओं की तरह किसी से कुछ नहीं मांगते और हर जगह पर किसी को दिखाई नहीं देते। इनका प्रमुख स्थान सिर्फ शमशान घाट ही होती है। अघोरियों का भगवान की पूजा अर्चना का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग है। आम लोग या इंसान पूजा के समय पूरी तरह से सफाई व पवित्रता का ध्यान रखते हैं, वहीं ये अघोरी साधु मानते हैं कि गंदगी में पवित्रता को ढूंढना ही सही अर्थों में ईश्वर को पाना है। उनका कहना है कि हर इंसान एक अघोरी के रूप में जन्म लेता है। अघोरी गंदगी और अच्छाई को एक दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा गंदगी और भोजन में कोई अंतर नहीं कर पाता। अघोरी साधुओं का मानना है कि उनके पास लाइलाज बीमारियों का इलाज है। कई बीमारियों के लिए वो दवाइयां भी बनाते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो इन दवाइयों का निर्माण मानव शरीर की हड्डियों से निकाले गए तेल से करते हैं। उनका कहना है यह तेल वह जलती हुई चिता से के शव से निकालते हैं। अघोरी भांग और गांजे का सेवन करते हैं ताकि वो मदहोश रह सके। अघोरियों का मानना है कि भांग व गांजे का सेवन करने से ध्यान केंद्रित करने में आसानी मिलती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा पेशकश अघोरियों के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अघोरी मानव मांस का सेवन क्यों करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इवनिंग अड्डा।